ओके okay, दैन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मिस नहीं करना चाहिए दैट इज़ द ऑफ एक्शन ऑफ सक्सनाल कोलिन सक्सिन कोलिन जो कि रिप्रेजेंटेटिव है डिपोलराइजिंग मसल रिलेक्सेंस का इसका मोटफ एक्शन एक तो डिफरेंट है बाकी स्कॉल्चल मसल रिलेक्सेंस से और इम्पॉर्टेंट uh, है तो पूछा जाता है अक्सर ठीक है तो uh, बाकी जितने भी हम न्यूमस्कुलर ब्लॉकर्स देखेंगे और uh, हमने जो नॉन uh, डीपोल न्यूमस्कुलर ब्लॉकर्स देखने हैं उनमें एक ही फेज़ होता है इसको हम फेज़ टू ब्लॉक कहते हैं या सिंपली उसको हम फेज़ वन टू नहीं मेंशन करते क्योंकि उसका एक ही मोड ऑफ एक्शन है लेकिन जो सक्सनैलकोलिन है इसका नाम भी चूंकि डीपोलराइजिंग है हालांकि होना ही चाहिए कि जहाँ पर मस्कुलर ब्लॉकेट प्रोड्यूस कराना है वहाँ पर तो रीपोलराइजेशन होनी चाहिए ताकि एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रांसमिट ना हो पेन की ट्रांसमिशन ना हो और मसल कॉन्ट्रैक्शन की ट्रांसमिशन ना हो लेकिन सक्सनैलकोलिन का को मेकानिज्म ऐसा है कि ये स्टार्ट में डिपोलराइजेशन करता है ठीक है इसका जो फेज़ वन है वो डिपोलराइजिंग फेज है और इसकी वजह से उसमें डिसेंसिटाइजेशन प्रोड्यूस हो जाती है न्यूरोस्कुलर जंक्शन में न्यूरोस्कुलर एंड प्लेट पे, जिसकी पर जिसकी वजह से डिस डिसेंसटाइजेशन की वजह से वहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल है वो फिर प्रोपगेट नहीं करता ठीक है तो कुछ ऐसा है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने फेज़ वन ब्लॉक और फेज़ टू ब्लॉक में डिवाइड किया फेज़ वन ब्लॉक इज डीपोलराइजिंग फेज फेज टू ब्लॉक इज डिसटाइजिंग फेज़ और दोनों के चार चार पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं ठीक है थीके?

ज अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इट इज नॉट मेडबलाइज इफेक्टिव एंड इट है लॉन्गर इफेक्ट मतलब ये वहां पर बाइंड करके ही रहता है वहां से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा ठीक है तो जो डीपोराइज में रिमेन डीपोलाइज एंडम अनरिस्पॉन्सिव टू सबसिक्वेंट इम्पल्सिस तो ये इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ डीपोलराइजिंग ब्लॉकेट क्योंकि वो डिपोलराइज हैं ये रिमूव हो ही नहीं रहा मेम्ब्रेन से एंड दोज मेमरेन बींग डीज अनरिस्पॉन्सिव टू द सबसिक्वेंट इंपल्सिस लेकिन हम ये कहते हैं कि एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग के लिए हमें एंड प्लेट रीपोलराइजेशन चाहिए रीप्राइमिंग चाहिए और रिपीटेटिव फायरिंग चाहिए अगर हम चाहते हैं कि एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन होती रहे और मसल कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट करें उसके लिए हमें क्या चाहिए एंड प्लेट रिपोलराइजेशन रिप्राइमिंग एंड रिपेटेटिव फायरिंग टू मेंटेन मसल टेंशन लेकिन जो ये नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ दैट आफ फ्लैसिड परालिस रिजल्ट ठीक है तो स्टार्ट में क्या था मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई थी कहाँ पर लिखा है वो हाँ ट्रांसिन कॉन्ट्रैक्शन हुई थी मसल मोटरयूनिट्स की और एंड में क्या हुआ फ्लैसिड परालिस हो गया और इन कंट्रास्ट नॉन डिपोलाइजिंग ड्रग हम जो नॉन डिपोलाइजिंग ड्रग्स पड़ी ना एट्राक्योरियम रोकोरोनियम वगैरह वगैरह उसके इसमें चूंकि वो नॉन डिपोलाइजिंग है तो वहां पर तो हमें बस आ, एंटी एस्टाइलकोलिन एक्शन चाहिए ना तो उसके लिए अगर हम कॉलिस्ट्रेज uh, इनहेबिटर्स देंगे तो वो तो हमारे लिए खतरनाक है क्योंकि हम तो चाहते हैं कि कॉलिस्ट्रेज कोलिनस्ट्रेज अपना रोल परफॉर्म करें स्टाइल कोलिन को जल्दी से ब्रेक डाउन करें ठीक है लेकिन अगर हम इसके डिपोलराइजिंग फेज में कॉलिस्ट्रेजेबिटर्स देंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब स्नालीन मोटर एंड प्लेट पर रहे ताकि वहाँ पर डिपोलाइजेशन कॉज करे और उसको डिपोलाइजिंग ब्लॉकेट में रखे ठीक है तो कॉलनास्ट्रेस ये एक डिफ्रेंस भी अगर हमने डिफ्रेंस करने हैं ना तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन नॉन डिपोलराइजिंग एंड डिपोलराइजिंग निर्मस् ब्लॉकर्स के जो कॉलिस्ट्रेस इन्हेबिटर्स होते हैं वो उसके डिपोलराइजिंग फेज को ऑगमेंट करते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं बेनिफिशियल होते हैं जबकि जो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स उसके लिए अगर हम कॉलिस्ट्रेस इन्हेबिटर देंगे तो वो हार्मफुल होंगे मतलब हमारे लिए वो ऑर्गनाइजिंग एक्शन परफॉर्म करेंगे ठीक है ये होगा फेज़ वन हम बाद में रिवाइज भी करेंगे फेज़ टू ब्लॉक को हम डिसटाइजिंग फेज कहते हैं तो हमने कहा कि विद प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू सक्सनैल अब कभी तो कभी उसने ब्रेक डाउन करना है ना हाँ उसकी लॉन्गर ड्यूरेशन है लेकिन इन अमाउंट अमाउंट नहीं है तो विद प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू सक्सनाल कोलिन इनिशियल एंड प्लेट डिपोलराइजेशन आप बाद में डिक्रीज हो जाती है और मेमब्रेन डज बिकम रिपोलराइज ठीक है एंड डिस्पाइट दिस रिपोलराइजेशन आप चूँकि रिपोलराइजेशन हो चुकी है अब तो उसको सब्सिकुन एक्शन पोटेंशियल रिस्पॉन्ड करना चाहिए लेकिन होता है कि डिस्पाइट दिस रिपोलराइजेशन मेमब्रेन के नॉट इजिलीली भी

तो फेज़ टू पर चैनल ब्लॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू एग्निस्ट एक्शन तो हम ये कहते हैं कि लेटर इन फेज टू जो कैटेस्टिक्स हैं ब्लॉकेट के क्योंकि बाद में तो उसका एक्शन जस्ट लाइक नॉन डिपोलाइजिंग मसल ब्लॉक जैसा ही हो गया क्योंकि स्टार्ट में तो मसल को लेकिन बाद में फ्लैस्टर पैरालिसिस हो गया था ना तो लेटर इन फेज टू जो कैटेस्टिक्स है ना नीपोलाइजिंग मसल ब्लॉकर्स आर तो जस्ट लाइक द नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स और नॉन डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स के दो इंपॉर्टेंट कैटेस्टिक्स होते हैं कि जब हम उनको कोई टेक्निक स्टिमुलस देते हैं तो वो एक नॉन सस्टेंट ट्विच करते हैं क्योंकि वो तो पैरालिसिस में होते हैं ना गए हुए तो जब हम उनको कोई स्टिमुलस देंगे तो वो नॉन सस्टेन ट्विच रिस्पांस देंगे तो ये कैटरिस्टिक है नॉन का लेकिन फेज टू ऑफ डिपोलराइजिंग में भी यही रिस्पॉन्स आते हैं और जस्ट लाइक नॉन डिपोलाइजिंग है का, उनको हम रिवर्स uh, uh, कर सकते हैं बाई एस्टारे सिम्पल से हम इस फेज को रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि uh, जब जो जो ड्रग्स हैं पहले तो हमें चाहिए ना कि वो साइड पर रहें ठीक है लेकिन बाद में क्योंकि लेटर ऑन हमें अब उसका एक्शन कभी ना कभी तो रिवर्स करवाना है ना तब हम कॉलिन स्टोरेज इन्हीबिटर्स दे सकते हैं तो स्टार्ट में उसको ऑगमेंट कर रहे हैं बाद में वो उसको रिवर्स कर रहे थे ठीक है तो ये बात पता होना चाहिए तो ये उसका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसमें दो तो फेजेस पड़े हैं इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ठीक है अच्छा फेज़ वन ब्लॉक को हमने कहा कि ये डीपोल राइजिंग ब्लॉक है इजिंग फेज है फेज टू ब्लॉक हमने कहा कि ये डिसेंसिटाइजिंग फेज है फेज वन हमने कहा कि चैनल एंड कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ द मोटर एंड प्लेट एंड इट स्प्रेड दिन स्प्रेड टू जेसन मेम्रेन कॉजिंग ट्रांसजेंट कंट्रेक्शन ऑफ द मोस्ट मस्ल मोटर यूनिट्स ठीक है सिक्सल इन इज नॉट मोटिबलाइड इफेक्टिवली एट दाइन एप्स इन कंट्रॉस टाइकुलट हैज लॉन्गर इफेक्ट डीपोलराइज मेब्रेन रिमेन डी पोलराइज एंड अनिस्पॉन्सिस टू सब सिक्वेंट इंपल्सिस दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ डिपोराइजिंग ब्लॉकेड because excitation contraction coupling requires and plate repolarization repriming and repetitive firing to maintain muscle tension a flaccid paralysis results in contrast to non depolarizing drugs this phase one is augmented by cholinesterase inhibitors like the phase two that was in, uh, reversed by cholinesterase inhibitors anyway phase two block is called desensitizing block with prolonged exposure to succinylcholine initial and plate depolarization decreases and membrane becomes repolarized and despite repolarization, membrane cannot be depolarized again because it is desensitized. mechanism is unclear, but some evidence suggests that the channel block in phase 2 is more important than agonist action. Uh, later in phase 2, characteristics of blockade are identical to those of non-depolarizing block. that is a non-sustained twitch response is uh, given to a tetanic stimulus and a possible reversal is uh, a reversal is possible by acetylcholinesterase inhibitors so this was a mechanism of action of non uh, sorry depolarizing muscle relaxants or succinylcholine